दिवाली के टाइम जैसे सोने के बाद भी दोस्तों अचानक से बम फटता रहता है और हम जाग जाते हैं। लिटरली आज के दिन निफ्टी वही था, ऐसे अचानक से झटका दे रहा था ना, एक एक कैंडल दोस्तों जगा रहा था, फिर सो जाता था, फिर झटका दिया फिर सो गया, फिर अचानक से झटका दिया फिर सो गया। लिटरली एक झटका वाला ही दिन था मैं कहना चाहूंगा। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े हैं, वन साइडेड मार्केट हमारे नाम का होता है दोस्तों। जो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। जब जब वन साइड मार्केट होता है, ओपन चैलेंज के साथ मैं कहता हूं दोस्तों, हर एक ट्रेंड को मैं पकड़ के दे देता हूं। लाइव मार्केट में जैसे उस दिन क्लियर कट 22,623 के ऊपर बाय करने को कहा था, प्रॉपर सेटअप मैंने दे दिया था और जैसे ही लेवल सस्टेन किया 135 पॉइंट का दोस्तों निफ्टी वन साइडेड मोमेंटम दिया है। ऐसे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस हफ्ते की बात करूं, तीन के तीन दिन दोस्तों मेरा लेवल सही हुआ है। आप देखिए ये ट्यूसडे का है यार, हर दिन सही हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, जो रिपोर्ट है वही ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। और एक खास बात दोस्तों, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कुछ इस टाइप का एड दिखे मेरे टेलीग्राम चैनल के नीचे, खास करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ही अंदर ऐसे दिखेगा, तो भाई ज्वाइन मत करो, ये सब फेक एड है दोस्तों, मैं तो नहीं चलाता भाई। 10 गुना पैसा कर देंगे, 98% एक्यूरेसी ऐसे बोल के आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है 98 एक्यूरेसी तो भाई आज तक ऐसा कुछ दुनिया में हुआ नहीं है, वो आप लोग जानते हैं। तो आज सुबह सुबह भी मैंने क्लियरली स्कैम बोल के ऐसे पोस्ट किया है। तो यार बच्चों, जहां पे आपको ग्रीड दिखता है ना, उससे पहले तो दूर ही रहो भाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट है एक लॉजिकल बात कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं लागू होता है, ना कि भाई पैसा 10 गुना, ये सब नहीं होता मेरे भाई, हर रोज नहीं होता। तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब मंडे के दिन दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या होने वाला है वो तो देखने वाले हैं। यार एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आप लाइक क्यों नहीं करते वीडियो को, क्योंकि आप बोलोगे मंडे के दिन भाई मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, उसका स्पेशल वीडियो कहाँ गया। मैं ऑलरेडी दोस्तों डाल चुका हूं 9 बजे, तो प्लीज यार 9 बजे बोल रहा हूं, सॉरी 5 बजे डाल चुका हूं, तो प्लीज दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ये सेकेंड वीडियो है, 3 इंडेक्स का एनालिसिस यहां पे करेंगे। पहला वाला वीडियो में डाल चुका हूं 5 बजे, ठीक है। और प्लीज आपने जो भी कॉल पुट लिया है कमेंट करना मत भूलिए कभी, मैं खुद सामने से बोलता हूं भाई कमेंट कीजिए, मंडे सुबह 8:45 के बाद रिप्लाई दे दूंगा, हर दिन हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लाइक कर दो करे यार, अच्छा लगता है लाइक करने से। तो सिंपल बात है, अगर मैं बात करूं मंडे का, देखिए आज के दिन मोमेंट था, बट मैं कहूंगा अनप्रेडिक्टेबल सा मोमेंट था, बड़ा ही क्रिपी सा मोमेंट था मैं कहना चाहूंगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए अचानक से कहीं से भी कुछ भी उलट पुलट के, छोड़िए जो हुआ हुआ दोस्तों, आपने वो फील किया होगा लाइव मार्केट में। तो अगर मैं मंडे की बात करूं, तो मंडे अगर मार्केट फ्लैट खुला, ये प्लान नंबर ए है दोस्तों, अगर मंडे मार्केट फ्लैट खुला, 48,510 के ऊपर नीचे जाना लगता है, देन डेफिनेटली कहना है कि हम पुट के तरफ जाएंगे। 48,510 बिलो हम सेल करेंगे, रीजन बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 48,510 का लेवल यहाँ से ही कहीं ना कहीं सपोर्ट क्रिएट करना चालू कर दिया। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार सपोर्ट लिया मार्केट अपसाइड, यहाँ पे देखिए एक ह्यूज रेड कैंडल 1:25 पे लगाया था, लेकिन डॉट इसी प्लेस पे कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। ठीक वैसे ही दोस्तों आज के दिन भी अगर हम देखेंगे, मार्केट इस लेवल के नीचे तो आया था लेकिन आ नहीं पाया भाई, एक तगड़ा सपोर्ट ने इसके ऊपर ही क्लोज दिया। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे दोस्तों, ये 3 बार सपोर्ट कहीं ना कहीं ले चुका है, बस फ्लैट खुला 48,510 के नीचे आया तो हम पुट बाय करेंगे, लेकिन उसके नीचे अगर आप देखोगे 48,424 से 48,449, ये भी एक सपोर्ट है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पे भी डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया है, तो 48,424 के नीचे जाके कहीं ना कहीं आपको बड़ा डाउनफॉल का मोमेंट देखने को मिल जाएगा। दोनों व्यू क्लियर हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मंडे के दिन मुझे लगता है ट्रेड करना, क्योंकि वन फ्लो में मोमेंट शायद ही ना दे। आज जैसे आपको तड़पाया दोस्तों, सडन डाउन मूव अगेंस्ट हो जाना, सडन डाउन मूव अगेंस्ट हो जाना, शायद वही हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट अवेलेबल हैं, तो कुछ क्लियरली कहीं ना कहीं आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे तो जो चार्ट पे दिख रहा है दोस्तों मैं वही आपको बोल रहा हूं। प्लान नंबर बी पे जाएं, प्लान नंबर बी दोस्तों सिंपल है और थोड़ा रिस्की भी है, थोड़ा क्या यार बहुत रिस्की है, बहुत ही ज्यादा वाला मैं रिस्की कहूंगा। जो भी लाइव मार्केट में अपडेट है वो फ्री वाले ग्रुप पे तो मैं दे ही दूंगा, क्यों मैं कहा बहुत ज्यादा रिस्की। देखिए प्लान बी ये है कि मंडे अगर गैप अप खुला और साइडवेज हुआ एंड देन 48,662 ब्रेकआउट कर दिया, तो हम कॉल खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं,
अच्छा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल मोमेंट दिया, दूसरी बार टच किया डाउनफॉल मोमेंट दिया, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन मंडे के दिन अगर टूट जाएगा तो ठीक है, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आता है आज के दिन जो झटका दिया है कैंडल ने, आप खुद सोचिए 48,662 ठीक है भाई, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं क्या है यार, क्लियरली आप देख सकते हैं यहां से ऊपर की मूव दिया था एक कैंडल में खत्म, कहीं से भी यार आ रहा है कहीं से भी, तो क्लियरली आप देख सकते हैं चलो ये रेजिस्टेंस को पार कर दिया और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पार कर दिया मान लेते हैं, ठीक है 48,662 के ऊपर आप बाय करेंगे मान लेते हैं, रीजन पे पता चल गया। उसके ऊपर आप देखिए कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब इतना बड़ा रेड कैंडल ऊपर एंड सडन अगेन डाउन, चलो ये भी पार कर दिया, ये तो भाई सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां से तो अचानक से दोस्तों अगर आप देखोगे पूरे टॉप से लेके बॉटम तक 200 पॉइंट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 5 मिनट में भाई बना दिया, कहीं से भी आ गया। तो एग्रेसिव सेलर जो कि हमने मिड कैप निफ्टी में भी डिस्कस किया है, एग्रेसिव सेलर सब ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस अगर टूट गया तो क्या होगा, ऊपर तो बहुत सारे सेलर बैठे हैं, दिक्कत देंगे मेरे भाई और बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे। दिमाग घूम जाता है इस टाइप के मार्केट में कि मतलब डिसीजन ले नहीं सकते, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि रेजिस्टेंस भी टूट जाएगा आप डरेंगे लूं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है, इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा तो डर आपको डेफिनेटली लगा, बट रिस्क ले सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं जो भी सही होगा लाइव मार्केट में वो दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब चले जाते हैं दोस्तों प्लान नंबर सी पे। प्लान नंबर सी सिंपल है, जो कि हर इंडेक्स एनालिसिस बताता हूं, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो एम पैटर्न बनते ही सेल करना है, लोअर लो बनते ही सेल करना है, या फिर कहीं ना कहीं अगर बड़ा गैप अप खुलता है और साइडवेज रहता है रेंज टूटता हुआ दिखा तो भी सेल करना है, या फिर बड़ा भी गैप अप खुल के अगर 15 मिनट का एक रेड कैंडल बना दिया उसका लो टूटा तो भी सेल करना है, ओके। इसके पीछे दोस्तों सीधी सिंपल सी बात है, यहां पे अगर आप देखोगे क्लियरली ओके, अगर गैप अप खुल गया तो इसके पीछे रीजन तो आपको ये कॉमन रीजन पता है कि भाई जितने भी लोग कॉल खरीद के गए हैं वो अपना बाय पोजीशन एग्जिट करेंगे, उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। वही मैं बात रिपीट करना चाहता हूं, रेजिस्टेंस गैप अप खुला तो कितने सारे रेजिस्टेंस दोस्तों ऊपर के लेवल पे खड़े हैं और वो रेजिस्टेंस खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ऊपर अगर गैप अप खुला ना तो डेफिनेटली मार्केट टिक नहीं पाएगा, बहुत ही ज्यादा वाला कम चांसेस है कि टिक के ऊपर जाएगा बोल के, क्लियर हो गया। अब चले जाते हैं दोस्तों प्लान नंबर डी पे, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल गया बड़ा वाला तो डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं बाय, हायर हाई बनते हैं बाय करना है, बाय के अलावा कुछ नहीं करना है अगर गैप डाउन खुला तो। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे प्रॉपर दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट अवेलेबल है, यानी कि रेजिस्टेंस था तो यहां पे अब सपोर्ट बन चुका है टूटने के बाद, तो अगर गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली नीचे से इसको सपोर्ट मिल जाएगा, क्लियर हो गया। 48,528 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर ये हमारे पुट राइटर एंड 48,500 के आसपास क्लोज दिया है, तो 48,700 पे ही यार ठीक ठाक कॉल राइटिंग दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, जहां पे कन्विक्शन हो 48,700 एंड 48,800 दोनों प्लेस पे दोस्तों अगर आप देखोगे 12 लाख एंड 15 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, तो 48,700-800 ऊपर तब जाके कहीं ना कि हम थोड़ा यार अपसाइड का मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नीचे की तो नहीं। जो झटका दे रहा था आज के दिन पुट राइटर को डैमेज हुआ, नंबर बोल रहा है -1,36,000 -78,000 -1,62,000 सारे पुट राइटर भागते हुए दिखे नीचे के लेवल पे, बस 48,500 ही मैं कहना चाहूंगा एक कन्विक्शन वाला लेवल है जहां पे 7,29,000 से ज्यादा पुट राइटर है, अब 48,500 टूटा तो फिर तो डाउनफॉल पक्का है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब चले जाते हैं निफ्टी पे, निफ्टी की अगर मैं बात करूं कॉमन बात है दोस्तों सिंपल बात है, फ्लैट खुला बस 22,503 टूटा सेल कर सकते हैं, 50 पॉइंट कहीं ना कहीं आप टारगेट रख सकते हैं इंडेक्स में, ऑप्शन पे 30 पॉइंट पकड़ लीजिए, 22,503 लेवल के पीछे सिंपल रीजन है। अगर आप देखोगे 12 बजे के बाद डाउनसाइड की तरफ ट्रेंड हुआ और मैं वही बोल रहा था कि आप खुद देखो यार ये जो झटका था ये कहां से आया मुझे तो समझ में आया नहीं। चलो ऊपर जाता मैं खुद रेडी था यहां से सेल करने के लिए कि भाई क्लोजिंग प्राइस टच करेगा, उससे पहले ही देखो सीधा सीधा इतना बड़ा झटका, ओके यहां पे आप देख लीजिए इतना बड़ा झटका, यहां पे देख लीजिए इतना बड़ा कहां, ये कभी कभार आपको देखने को मिलता है दोस्तों अनयूजुअल मूव, जो कहते हैं कि आप कुछ भी टेक्निकल कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए, एक
सट्टा एक तुक्का लगाने जैसा ही आपको लगाना पड़ेगा ऐसे मूव के लिए। बट हाँ भाई, सट्टा या फिर तुक्के जैसे, गेमलिंग जैसे इस मार्केट को देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से पैसा फिर नहीं बनने वाला। और टेक्निकली जो भी है दोस्तों, उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो देखो, आखिर में साइडवेज होकर डाउन आया, इसको कंटिन्यू रखना है। 22,503 के नीचे डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, लेकिन 22,436 से 458 एक प्रॉपर तगड़ा वाला सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, 22,436 से 22,458 प्रॉपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बना, सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर ऊपर चला गया। तो क्लियरली देख रहा है कि यार अच्छा खासा एक सपोर्ट है। तो 22,436 के नीचे ही कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। प्लान नंबर भी ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा प्लान में चेंजेस हैं, बाइंग की तरफ में तो बोलूंगा नहीं। अगर गैप, मीडियम गैप अब वगैरह खुल के ऊपर जाता है और 22,617 से 22,633 इस जोन पे आके अगर कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना देता है ना, तो पुट बाय कीजिए। इस जोन पे आके अगर लोअर लो बना देता है ना, तो पुट बाय कीजिए। इस जोन पे आके अगर एक बेरिश कैंडल दिखता है, तब भी आप पुट बाय कर सकते हैं छोटे से सेल के साथ। रीजन आपको बोल देता हूँ, 22,617 से 633 अगर आप देखोगे, प्रॉपर सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, आज इतना बड़ा झटका मारा और सपोर्ट टूट गया। अब जब सपोर्ट टूटा है और ऊपर जाएगा और एक फ्रेश रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सेलर देखने को मिलेगा और सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया? गैप अप गैप डाउन का व्यू सेम है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में कहा। 22,519 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, कॉल राइटर पुट राइटर 22,500 के आसपास क्लोज दिया है और 22,500 पे ही दोस्तों 19,15,650 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं यार। तो 22,500 के ऊपर डेफिनेटली आप अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी बैठे हैं 22,600 पे भी। 22,600 पे भाई, यहाँ पे 19 लाख है तो उसका डबल है भाई, 45,79,350 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो 22,600 के ऊपर जाके आप अपसाइड का उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की बात करूं तो 22,500 पे क्लियरली आप देख सकते हैं ओनली 7 लाख, उसके नीचे तो 2 लाख, 8 लाख, 5 लाख है। तो 22,000 कहीं ना कहीं 500 के नीचे या फिर 400 के नीचे, तो भाई 8 लाख से ज्यादा पुट राइट रहे तो 400 के नीचे हमें डाउनफॉल डेफिनेटली मोमेंट देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब चले जाते हैं फिन निफ्टी पे, ठीक है। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, आखिरी वही सेम बैंक निफ्टी का भाई है फिन निफ्टी। तो फ्लैट खुला, 21,484 टूटा, तो सेल कर सकते हैं। रीजन सिंपल है दोस्तों, जो मैंने कहा कि भाई लो टूटा और ये जो ट्रेंड को कंटिन्यू किया, बाकी तो बाइंग का तो कुछ खास नहीं है। 21,560 के ऊपर जाएगा तो ऊपर देखिए रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो कुछ खास नहीं है। बस 560 के ऊपर जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में कहा था ना, कुछ ज्यादा ही रिस्की है, वही सेम रूल लागू होता है यहाँ पे। छोटे क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, मेरे एडवाइस फॉलो करें तो ना खरीदना ही बेहतर रहेगा जब तक ये सारे रेजिस्टेंस टूट नहीं जाता। रिस्की है, कहीं से भी आपको घुमा के पटक देगा। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो जाके जरूर देखिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू। अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए।